जहन दोस्तों, हाँ, पहली बार किसी लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने सरकार और डिफेंस मिनिस्टर को दी चेतावनी, अच्छे से लताड़ा, कहा कि सिर्फ आप बात कहते हो कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, और लेकिन आपने आपकी पूरी पोल खोल दी। आप पूरा आर्टिकल पढ़िए, और इसका पूरा आउटलाइन है वो मैं ये समझाना चाहता हूं कि उन्होंने दो मुद्दे उठाए और दोनों मुद्दे पर सरकार को घेरा और उन्होंने रक्षा मंत्री को घेरा और जितने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए डिले कर रहे हैं उनको भी काफी खरी खोटी सुनाई। पहली बार इस करेज उन्होंने दिखाया। दोस्तों, एक कल का आर्टिकल है, आइए हम बात करते हैं क्या कहा। नाकाम सरकार, डिफेंस मिनिस्टर के लिए चेतावनी। दो चीजें, रिवाइज ओआरओपी और स्पर्श इंप्लीमेंट के ऊपर उन्होंने जमकर खुल के बात की कि आखिर इनकी क्या जरूरत थी, आखिर ये डिले क्यों है, आखिर आप करना क्या चाहते हो, आपके पास इतना बड़ा महकमा है, आपको माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया लेकिन सब की आप अवमानना कर रहे हो, क्या आपके ऊपर केस किया जाए, आखिर क्यों नहीं सुन रहे, लाखों पेंशनर्स हैं, लाखों जो लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उनको परेशानी हो रही है लेकिन आपको उनकी परेशानी दिखाई क्यों नहीं दे रही। बात कह रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने ओआरओपी के ऊपर बोला कि आपको अवमानना का केस लगाना चाहिए। जब मार्च 2022 में बोला गया था कि 3 महीने में आपने पेंशन रिवीजन या रीफिक्सेशन करना है, बट अभी तक आप बातों पे बातें बनाए जा रहे हो, और आपने कहा कि मुझे, जबकि कोर्ट ने कहा था कि आफ्टर 5 ईयर्स आपने पेंशन रिवीजन करना है, हमेशा आप डिले वाला काम करते हो, आपने रिफ्यूज सारी चीजें आप कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को। अभी उन्होंने हवाला दिया है कि केस सीजीडीए जाएगा, डीईएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी लेवल पे अभी तक टेबल तैयार नहीं हुई है, मतलब अभी तक आपने उसकी स्टार्टिंग नहीं की, आपकी टेबल तैयार नहीं कर सकते, और टेबल तैयार होके पीसीडीए जाएगी तभी इंप्लीमेंट होगी। आखिर आप बोलते हो कि सारा चीज डिजिटलाइज है, फिर इतनी देरी क्यों, नॉर्मल एक फैक्टर लगा करके आप वो चीज क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते। और दूसरी उन्होंने लताड़ लगाई स्पर्श की, यानी फेल्यूअर टू स्पर्श पोर्टल जो आपने लागू किया, सबने पूछा, बड़े बड़े अधिकारियों ने पूछा आखिर इसकी जरूरत क्या थी, आपने क्यों लागू किया, इसका आज तक आपने कोई जवाब नहीं दे पाए। सबको पता है आपने जो पैसा आपका लगता है वो बचाने के लिए किया, लेकिन इससे कितने लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं, सब चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन सिस्टम से ही काम चले, लेकिन आपने अभी जो जितने लोग माइग्रेट किए सब रो रहे हैं क्योंकि रिकॉर्ड से डाटा सही तरीके से अपलोड नहीं होता है। आपने बिना कुछ जाने के, यहाँ बहुत सारे कन्वेंशनल प्रोसीजर है, आपकी 958 जाएगी, उसको करंट शीट को स्पर्श में कन्वर्ट करने लाखों गलती हो रही है, लाखों लोग बेकसूर, अपना डीएलसी सबमिट करने के बावजूद भी उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। फिर आप कहते हो इस पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर आप कहते हो पूरी फोर्स का किया जाएगा, आपके सिर्फ 5 साल के लोगों का किया है, नीचे आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, लोगों को पेंशन के लिए रोना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, लेकिन ये सरकार किसी की प्रॉब्लम को नहीं सुन रही है। क्या इसके ऊपर उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, 3 पेज का आर्टिकल है, आप पढ़िए और इस पर कमेंट्स करिए। मैं सलूट करता हूं जनरल साहब को कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से बहुत तगड़ी बात रखी है और सबको लताड़ा है। धन्यवाद दोस्तों।